नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि पितृ दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके वजह से हम पता कर सकते हैं कि वाकई में पितृ दोष होता है। दोस्तों लक्षण मैं इसके बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जैसे ही पूरा होता है आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाएं। वहाँ पर मैंने जो अपने कुछ फ्री वर्कशॉप है, जैसे कि फ्री में जिबू सिंबल है, फ्री में सूर्यकिरण चिकित्सा है, फ्री में स्विच वर्ड है, ठीक है, फ्री में एनर्जी सर्कल है, ये सब जो मेरे वर्कशॉप के फ्री वीडियो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, तो उसे आप जरूर से जाके देखिए। दोस्तों देखिए, यहाँ जो मैं पितृदोष के लक्षण बता रहा हूँ ना, उसमें आपको लॉजिक दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ आस्था ही विश्वास से ही काम कीजिए कि ये हो सकता है। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो लक्षण बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 100% केस में पितृदोष ही होगा, दूसरे रीजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष एक लक्षण इसमें भी हो सकता है। अगर किसी भी हीलिंग थेरापी से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे आप धक्के खा चुके हैं लेकिन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बार पितृदोष के बारे में जरूर से सोचना चाहिए। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? सबसे पहला लक्षण ये हो सकता है कि वंश वृद्धि ना होना, यानी कि हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि मैंने ऐसे कई केस देखे हुए हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों के जो टेस्ट होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं होता है, 5 साल 10 साल 15 साल या उससे भी ज्यादा हो जाता है फिर भी उनको बच्चा ही नहीं हो जाता। कितनी भी सारी एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई करवा लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्या हो सकता है? मे बी पितृदोष इसमें हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई केस देखे हुए हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। दूसरा ये हो सकता है कि फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहेगा, आपके फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहेगा। एक बीमार है उसको रिकवरी आई, फिर दूसरा बीमार हो जाए, उसको रिकवरी आई, फिर तीसरा बीमार हो जाएगा, ऐसे बीमार होना चालू ही रहेगा, आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल के धक्के खाने ही पड़ेंगे। कई बार तो ऐसी बीमारी आ जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा कि आखिरकार है क्या, बहुत सारी दवाइयां करने के बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे मैंने कई केस देखे हुए हैं जिसमें रेकी हीलिंग या लवा फेरा हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग करने के बाद उसमें उसको थोड़े दिन तक राहत मिलती है लेकिन फिर से वही बीमारी फिर से चालू हो जाती है, यानी पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई ना कोई बीमार रहेगा जिसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको आखिरकार हो क्या रहा है, क्या बीमारी है पता ही नहीं चलेगा, पकड़ में ही नहीं आएगा, तो इस केस में भी आप सोच सकते हैं कि पितृदोष हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए आप या फिर आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्सलेंट है, पढ़ने में ब्रिलियंट है, लेकिन उनको जब जॉब लेने जाते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं तो हो सकता है 1 या 2 मार्क से ही वो रह जाए, इंटरव्यू में भी फेल हो जाए, सबको जॉब लग जाए लेकिन पता नहीं कोई भी रीजन से उनको जॉब ही ना लगे अच्छी, बहुत सारे उनके अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको जॉब नहीं मिलती है अच्छी, तो इस केस में भी आप सोच सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस, कोई आपसे पैसे ले लेगा, आपसे बहुत उधारी रखेगा, ठीक है, आपके पास पैसे वापस नहीं लौटाएगा, ठीक है, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बारी बारी फेल ही हो जाते हैं, एक बिजनेस करो उसमें फेल, दूसरा बिजनेस करो उसमें फेल, तीसरा बिजनेस करो इसमें भी फेल, हो सकता है इसमें भी आपको पितृदोष हो सकता है। फाइनेंशियल आपको बहुत दिक्कत रहती हो तो भी आप सोच सकते हो, बहुत सारी मेहनत बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी आपको अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो भी आप सोच सकते हैं कि पितृदोष है। घर में बिना वजह से झगड़े होते रहते हो, सास में और बहू में या फिर बच्चे में और माता पिता में, बिना कुछ ही रीजन या छोटे छोटे रीजन का बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता हो, घर में शांति ही नहीं रहती हो, कितने ही ट्राई करो तो इस केस में भी आप पितृदोष को सोच सकते हैं। घर में अशांति रहती हो, कलह रहती हो, बस बीमार रहते हो, तो बारी बारी इसका
आपके बहुत सारे ट्राई करते हो, ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं करते हो उसको सॉल्व करने के लिए, सब कुछ करते हो लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए शांत रह जाएगा, फिर से वो चालू हो जाएगा। तो इस केस में पितृदोष आप सोच सकते हो। तो ये जो कुछ लक्षण है मैंने आपको बताया वो पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जो नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं वो है इस पितृदोष के उपाय। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाए, तभी उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप इस पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप मुझे कॉमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।